आज हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक गैस इक्वेशन। तो आइसोथर्मल मीनिंग जब कोई प्रोसेस आइसोथर्मल होगी या एडियाबेटिक होगी तो उस टाइम पे हमारी गैस की जो इक्वेशन आएगी वो क्या इक्वेशन आएगी। देखो आइडियल गैस के लिए हमें पता है, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन जो हमारे पास थी ये इक्वेशन होती है हमारे पास पी वी इज इक्वल टू, अगर हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए कंसीडर करते हैं तो दिस इज इक्वल टू आर टी। आर जो है रेबर कांस्टेंट होता है हमारा, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम, और गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास है 8.31 जूल पर मोल कर पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसके लिए हमारी वैल्यू होती है आर के लिए। तो मीनिंग अगर यहाँ पर मैं अड़िया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हूँ, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मीनिंग हमारी प्रोसेस अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हमें पता है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो मीनिंग जो हमारा पी वन जो आएगा और वी वन जो आएगा दिस इज इक्वल टू पी टू इंटू वी टू, हम इसे ऐसे इस गैस की इक्वेशन को हम राइट कर सकते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। अब अगर यहीं पर हम अनदर इक्वेशन लिखें एडियाबेटिक इक्वेशन के लिए, लिखें एडियाबेटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस के लिए हम क्या लिखते हैं एडियाबेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो एडियाबेटिक इक्वेशन में अब हमारा जो है हमें पता है सिस्टम के अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। और 1 मोल गैस के लिए अगर हम यहाँ पर राइट करें जो वर्क डन जो हमारा आता है, वर्क डन हमारा जो होता है दिस इज इक्वल टू प्रेशर इनटू स्मॉल वॉल्यूम में अगर चेंज है और पी जो है प्रेशर है गैस का, तो हम ऐसे ही जो है वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि सिस्टम के अंदर ना तो कोई हीट ऐड हुई है जिसका यूज करके सिस्टम वर्क करे, तो सिस्टम ने जो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन किया है वो अपनी ही इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर किया है, इंटरनल एनर्जी के कोस्ट पर किया है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी डी यू, इसको हम राइट करेंगे जैसे कि 1 मोल गैस के लिए सी वी इंटू डी टी, हम इसको लिखेगा सी वी इंटू डी टी, ये हम राइट करते हैं यहाँ से। जो ये सी वी होती है दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मीनिंग अगर हम गैस का वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंट रखते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर को जो है 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करने के लिए, या हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमें इंक्रीज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हमें इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना है, तो सी वी जो होता है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये टॉपिक करने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है मीनिंग अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस बाई 1 डिग्री सेल्सियस,
मीनिंग अगर किसी सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी हीट एनर्जी को बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सबस्टांस, उस सबस्टांस की हीट कैपेसिटी हो जाती है। और हीट कैपेसिटी जो है मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर देता हूँ, एस से डिनोट कर देता हूँ मैं सपोज करूँ, तो मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है और इससे टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है डीटी, तो क्यू जो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीटी आएगा। और यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट लगाएं एस, तो एस जो आएगा दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई डीटी चेंज इन टेम्परेचर, और क्यू जो है ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एडेड है, तो इसको बोलते हैं हम एस को जो है हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे, सबस्टांस की हीट कैपेसिटी। ठीक है, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट जो आएगी तो एस की जो यूनिट आएगी इसकी यूनिट होती है जूल, और टेम्परेचर चेंज हुआ तो केल्विन में जूल पर केल्विन, ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर की वो केल्विन लेके चलते हैं हम, जूल पर केल्विन इसकी यूनिट आ जाएगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर राइट करें एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर माइनस 2 और के की पावर माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हीट कैपेसिटी के लिए। ऐसे ही हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, अब स्पेशल केस हो गया अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस मीनिंग 1 ग्राम सबस्टांस का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री तक रेज करना है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सबस्टांस, उस सबस्टांस की क्या हो जाएगी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो मीनिंग अगर मैं यहाँ पर ऐसे राइट करूँ क्यू जो आएगा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ये हमारी 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगी, एक तो मास पर डिपेंड करेगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और तो ये जो क्यू आएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं सी एम इंटू डेल्टा टी, तो ये जो सी जो टर्म आई हुई है यहाँ पर कई बुक्स में इसको हमने कई बुक वालों ने इसको एस से भी लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, तो ये सिंबल आप देख सकते हो, तो सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डी टी, तो सी जो है ये हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया सी, और यूनिट अगर हम इसकी निकालें तो एम जो जूल आएगा ये जूल, मास की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर किलोग्राम, और डेल्टा टी जो है ये हमारा केल्विन में हो जाएगा पर केल्विन, और डायमेंशनल फॉर्मूला देखें अगर एम की पावर 0 हो जाएगी, एल की पावर 2 हो जाएगी, टी की पावर माइनस 2 और के की पावर माइनस 1, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे ही हम एक और टर्म को डिफाइन करेंगे यहाँ पर, थर्ड जो टर्म हमारी आती है वो आती है स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या बोलते हैं इसको, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वैसे तो ये पिछली यूनिट में आते हैं, यूनिट नंबर 7 में आ जाते हैं ये टॉपिक, लेकिन वहाँ पर इनका रिकैप्चुलेशन लिखा हुआ तो हम साथ साथ कर लेते हैं रिकैप्चुलेशन, और एक टॉपिक और हमारा वहाँ से रहता है थर्मल एक्सपेंशन का, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है ये भी हमारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सबस्टांस थ्रो ए सबस्टांस थ्रो, थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस, 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस बाई 1 डिग्री सेल्सियस।
मीनिंग यहाँ पर हमें मास की जगह क्या यूज कर लिया, मोल यूज कर लिया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सी जो आएगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, म्यू से लिख दिया मैंने मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स, और साथ में यहाँ पर आ गया चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी ये था हमारा क्यू, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा नंबर ऑफ मोल्स के, और कितना टेम्परेचर हमें उसका रीच करना है। तो क्यू जो आएगा कॉन्स्टेंट लगेगा सी म्यू इंटू डेल्टा टी। तो सी जो आया यहाँ पे कैपिटल सी से लिखा है मैंने इसको, कैपिटल सी जो आया दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा टी। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, यूनिट जो आएगी इसकी इसको हम बोलते हैं सी को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वहाँ पे हमने स्मॉल लेटर से लिखा है, इसको हम कैपिटल लेटर से लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्यू जो आएगा इसकी यूनिट होती है जूल, और मोल पर मोल हो जाएगा टेम्परेचर के लिए पर डिग्री, सॉरी पर केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। या यहाँ पर अगर हम म्यू की वैल्यू पुट करें, म्यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अब अगर हमें निकालना है किसी भी सब्सटेंस का मास जो ग्राम में गिवन है और उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है उससे अगर हम डिवाइड कर दें, तो हम नंबर ऑफ मोल्स भी हम यहाँ पर उस सब्सटेंस के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट था जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट अब हमारी यहाँ पर है, तो इस यूनिट के अंदर है। एक टर्म और हम राइट करते हैं यहाँ पे सी पी जो आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मीनिंग अगर प्रेशर को हम कॉन्स्टेंट लेते हैं, और दूसरी टर्म है हमारी सीवी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये दो टर्म और हमारे यहाँ पर आते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर जो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होती है ये हमेशा ज़्यादा होती है किससे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से, ठीक है। और इनका एक रिलेशन भी हमारे पास है जो कि इसका डेरिवेशन आपके पास नहीं है, सी पी माइनस सी वी जो आता है ये हमेशा किसके इक्वल होता है, आर के, आर जो कि गैस कॉन्स्टेंट होता है। सी पी माइनस सी वी जो आएगा हमारा किसके इक्वल आएगा, गैस कॉन्स्टेंट के इक्वल आता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है यहाँ से। और आइडियल गैस एक और टर्म हमारे पास आते हैं, सी पी और सी वी का जो रेशियो होता है इसको हम लिखते हैं ऐसे, गामा से लिखते हैं इसको हम, ये रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है। तो इस रिलेशन का हमें यूज करना है, कॉन्स्टेंट जो हमारी गैस इक्वेशन होती है उसमें इसका यूज होता है। तो एडियाबेटिक गैस इक्वेशन जो हमारी है, एडियाबेटिक आइडियल गैस इक्वेशन, ये अब हम राइट करते हैं। तो डायरेक्ट डेरिवेशन की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन हम जो है हायर क्लास में करेंगे इसका। तो पी वी, अब देखो हमारी जो आइसोथर्मल प्रोसेस थी उसमें पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया, बट इस प्रोसेस में क्या आएगा, वी की पावर जो हो जाएगी यहाँ गामा हो जाएगी, जिसकी वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है सी पी डिवाइड बाई सी वी, जहाँ पर सी पी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। तो ये जो टर्म आएगी ये हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी अब, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये किसके लिए इक्वेशन बन गई है, ये हमारी एडियाबेटिक आइडियल गैस इक्वेशन बन गई है, जिनका हम आगे अब यूज करेंगे। या यहीं से अगर हम राइट करें पी वन वी वन की पावर जो गामा आएगा दिस इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा, तो ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं। अनदर फॉर्म में भी इसको हम राइट कर सकते हैं, अगर हमें इसको टेम्परेचर की फॉर्म में राइट करना है तो टेम्परेचर की फॉर्म में भी हम इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पी वी जो होता है दिस इज इक्वल टू आर टी होता है, और यहाँ से अगर वी को हम फाइंड आउट कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास आर टी डिवाइड बाई पी। और ये जो टर्म आई है ये टर्म हम जो है कहाँ पर पुट कर सकते हैं, फर्दर जो है इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पुट करके हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी P
पी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, नहीं सॉरी वी की वैल्यू, तो आर टी डिवाइड बाई पी, वी की पावर जो है ये क्या गिवन है गामा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या गिवन है पी गिवन है, तो ये टर्म भी हमारे पास क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ से अगर लिखे मैं इसको पी, और क्या था यहाँ पर पी, पी की जगह पी को अगर मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ आर टी की पावर गामा और डिवाइड बाई ये पी की पावर गामा माइनस वन हो जाएगा क्योंकि नीचे लेके आएंगे इसको तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पी की पावर माइनस वन। और आर यहाँ पर ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसको उधर ले जाओ तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, यानी कि टी की पावर गामा डिवाइड बाई पी की पावर जो आएगा गामा माइनस वन, ये टर्म भी हमारे पास क्या आएगी कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, तो ये जो टर्म आएगी ये क्या आएगी हमारे पास कांस्टेंट आएगी, या इसी को हम अनदर फॉर्म में राइट कर सकते हैं टी वन डिवाइड बाई पी वन, यहाँ पावर गामा, यहाँ गामा माइनस वन, दिस इज इक्वल टू टी टू की पावर गामा डिवाइड बाई पी टू की पावर गामा माइनस वन। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं टी वी की पावर गामा माइनस वन जो आएगा ये भी हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो कई टाइप से हम इस इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। तो इसको हम अगर अलग अलग टेम्परेचर में दिखाएं टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन, टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन, ये टर्म भी हमारी जो है ये भी हमारी इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी इक्वेशन लिखी है, जैसे पहले स्टार्टिंग में मैंने ये राइट किया, फिर मैंने यहाँ पर ये राइट किया, फिर मैंने ये राइट किया और ये राइट किया, ये सारी की सारी जो इक्वेशंस है दीज आर एडियाबेटिक इक्वेशन जो है आइडियल गैस के लिए है किसी, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशंस है सभी के सभी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ये पार्ट हमारा है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कई बार पेपर में आता रहता है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कई बार डेरिवेशन ही आ जाता है इसका। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमें पता आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है टेम्परेचर हमारा जो है कॉन्स्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, और अगर आइडियल गैस इक्वेशन लिखे इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन, वो हमारे पास आती है पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट आती है वो हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। तो इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, हम कोई भी कोई ये सिलेंडर लेते हैं जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन का जो एरिया है वो एरिया हम सपोज करते हैं कितना एरिया इसका क्रॉस सेक्शन का, ए इसका एरिया है, और हमने कोई गैस यहाँ पर कंसीडर किया है, ये कोई गैस कंसीडर की है वन मोल गैस, कितनी गैस लेके चले हैं हम वन मोल ऑफ गैस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, और गैस हमारी आइडियल गैस यहाँ पर है, और पिस्टन का एरिया जो है ए जो है ये दिस इज एरिया ऑफ पिस्टन, ये पिस्टन का एरिया है। अब मैं अगर ये सपोज करूँ गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, पी प्रेशर जो है पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट करती है, और पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पिस्टन यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस होकर आ जाता है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है कितना होता है डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर फाइंड आउट करूँ वी जो है, अगर मैं सपोज करता हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस था स्टार्टिंग में, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, और पी जो है प्रेशर एक्सर्टेड है बाय द गैस ऑन द पिस्टन, तो हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कितना फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर। तो ये जो फोर्स लगेगा ये हमारा लगेगा प्रेशर इनटू एरिया, सिंपली हमें यूज करना प्रेशर की डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल हुआ है डीएक्स तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन जो आएगा, तो वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है प्रेशर, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन टू मूव द पिस्टन थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क डन जो आएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ से p इंटू ए इंटू डी एक्स,
और ये a इंटू डी एक्स, ये क्या स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से, तो a इंटू डी एक्स को हम राइट कर सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वर्क डन जो है वो हमारा सिंपल हम डेफिनेशन यूज करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। बट अगर मैं ये सपोज करूँ इनिशियल जो वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम गैस का जो है वो वी वन है और फाइनल वॉल्यूम जो है इसका हो जाता है वी टू, तो टोटल वर्क डन जो आएगा, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन कर देंगे इसका पी इंटू डी वी का विद इन लिमिट्स वी वन टू वी टू, तो पी इंटीग्रेशन से बाहर वी वन वी टू, और इंटीग्रेशन यहाँ पर पी जो है पी इंटू डी वी। अब आइडियल गैस इक्वेशन हमें यहाँ यूज करनी है पी वी इज इक्वल टू आर टी, और पी की वैल्यू जो आएगी दिस इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई वी, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई वी इंटीग्रेशन डी वी वी वन टू वी टू, आर टी को इंटीग्रेशन से बाहर राइट करेंगे तो वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, तो वन अपॉन वी का जो इंटीग्रेशन आएगा, वन अपॉन वी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो लॉग में आएगा यहाँ पर, आर टी लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस आएगा वी, और लिमिट हम पुट करेंगे वी वन से लेके वी टू तक, तो ये जो टर्म आएगी हमारे पास आर टी लॉग एक्सपोनेंशियल बेस वी टू, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले वी की जगह वी टू पुट करेंगे, फिर हमारी आएगी लॉग ऑफ ई, यहाँ वी वन आ जाएगा, और वर्क डन जो आया टोटल वर्क डन दिस इज इक्वल टू आर टी लॉग ई एक्सपोनेंशियल बेस, और इसको हम फॉर्मूला बना सकते हैं दिस इज इक्वल टू वी टू डिवाइड बाई वी वन, क्योंकि लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है ये लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम डिवाइड बाई एन, तो ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर बेसिकली लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई एम डिवाइड बाई एन, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और इस एक्सपोनेंशियल बेस को हमें जो है कन्वर्ट करना है बेस 10 में, क्योंकि बेस 10 की वैल्यू हम टेबल में देख सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तो ये आ जाएगा आर टी लॉग ऑफ बेस, अब यहाँ पर 10 हो जाएगा ठीक है, और इसको हम लिखेंगे वी टू डिवाइड बाई वी वन, तो ये हमारा वर्क डन आएगा किसके अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। और अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, हमें पता है पी वन वी वन जो होता है दिस इज इक्वल टू पी टू वी टू, और वी टू अपॉन वी वन की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें वी टू अपॉन वी वन, ये हमारे पास आएगा पी वन अपॉन पी टू, तो वर्क डन का अनदर फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 लॉग ऑफ बेस 10, वी टू अपॉन वी वन की जगह क्या पुट कर देंगे पी वन अपॉन पी टू, तो ये भी फॉर्मूला हम जो है वर्क डन का यूज करेंगे इन टर्म ऑफ प्रेशर पी वन एंड पी टू। तो ये थी हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा वर्क डन आ जाएगा